दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिला के गुंडीपोरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रविवार शाम से जारी मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। मुठभेड़ स्थल से 2 AK राइफल्स भी बरामद हुई हैं। मौके पर सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान अभी जारी है। इस मुठभेड़ में कुछ दिन पहले ही आर्म्ड पुलिस के कांस्टेबल रियाज अहमद की गोली मारकर हत्या करने वाला जैश ए मोहम्मद का आतंकी आबिद शाह सहित 2 मारे गए थे। आपको बता दें कि IGP कश्मीर विजय कुमार ने 2 ही आतंकियों के फंसे होने की जानकारी दी थी, लिहाजा ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर ने पंजाब में प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है। पार्टी ने इसके लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। शहर के शहीदी चौक स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के प्रधान गुलाम अहमद मीर ने मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई पर काबू पाने में सरकार नाकामयाब रही है। इन वर्षों के दौरान ना तो केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम लगा पाई है और न बेरोजगारी को। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की। अनंतनाग के DDC सदस्य ब्लॉक हीलर शहबाज अख्तर कसाना ने आज टाउन हॉल डोरो में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें SDM डोरू गुलाम रसूल वानी, तहसीलदार डोरू खालिद जफर और इसके अलावा अन्य विभागों के लोग भी वहां पर मौजूद नजर आए। बैठक में जल शक्ति विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, PMGSY, सिंचाई विभाग, बाढ़ निरंतर अधिकारी भी उपस्थित नजर आए। और साथ ही साथ इस मौके पर अगर बात की जाए तो उन्हें साफ तौर पर आग्रह किया गया कि वे लोगों के लिए जो काम है उसे जल्द से जल्द पूरा करें। भारतीय चिकित्सा प्रणाली विभाग, आयुष रामबन, शिक्षा विभाग के सहयोग से रामबन सरकारी हाई स्कूल दसवास में राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अगर बात करें तो कार्यक्रम में फिट इंडिया आंदोलन के जिला समन्वयक पवन कुमार मौजूद नजर आए। साथ ही साथ इस मौके पर बड़े पैमाने पर छात्र और PRI सदस्य भी मौजूद नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने निशुल्क रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां वितरित की और साथ ही साथ छात्राओं को बताया कि किस तरीके से कोविड उपयुक्त व्यवहार का महत्व है, जरूरी है। निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं जम्मू ने उपजिला अस्पताल बनिहाल में विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए आज उपजिला अस्पताल बनिहाल का दौरा किया। उनके साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामबन डॉक्टर मोहम्मद फरीद बट भी मौजूद नजर आए। निदेशक स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर सलीम उर रहमान ने अस्पताल के सभी विभागों का निरीक्षण किया और विभिन्न मुद्दों पर अस्पताल प्रबंधन से जवाब भी मांगा। आज श्रीनगर के वुलगर नाले में स्वच्छता अभियान का चलाया गया। इस मौके पर अगर बात की जाए तो सरपंच खैम्बर अब्दुल मजीर ने हरी झंडी दिखाकर तकरीबन 25 छात्र जो इसमें भाग ले रहे थे उन्हें वहां से रवाना किया। उक्त कार्यक्रम में LMCS के अधिकारी भी मौजूद नजर आए। साथ ही साथ विद्यार्थियों को साफ सफाई और आसपास के वातावरण को साफ रखने के महत्व से भी अवगत कराया गया। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से शहर की अगर बात करें तो लगातार जो है अलग अलग इलाकों में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स को चलाया जा रहा है। इसी के चलते आज जम्मू शहर के गुमट बाजार और उसके आसपास के एरियाज में भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को चलाया गया। इस मौके पर दुकानदारों को साफ तौर पर हिदायत दी गई कि वे अपने दुकानों से बाहर फुटपाथ पर और सड़कों पर सामान न लगाएं, क्योंकि इससे आने जाने वाले लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी ऐसे कोई हरकत देखने को मिलती है तो ये साफ करते हैं कि अगली बार से दुकानों को सील कर दिया जाएगा।